बता दीजिए ना खाली यही बता दीजिए। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिन्हा, आप सभी का स्वागत है द इंडिया टॉप में। या साइक्लोन की पहले से सूचना होने के बाद भी अधिकारी सतर्क नहीं हुए। इस दौरान बोकारो रेलवे गुड्स शेड में FCI की भारी लापरवाही देखने को मिली है। जी हाँ, यहाँ मंगलवार की देर रात 3 बजे आए 42 बोगी में 50,400 बोरा में गरीबों के लिए आया हुआ गेहूं 2520 टन गेहूं पानी में भींग रहा है। बता दें कि बोकारो जिलों में यास चक्रवात का हाई अलर्ट है, बावजूद इसके यहाँ पंजाब से गेहूँ बोकारो में भेज दिया गया है। मौके पर FCI का कोई अधिकारी मौजूद भी नहीं दिखे, जिससे कि इस बड़ी लापरवाही पर सवाल किया जा सके। हम लोग स्टेटमेंट नहीं आपका दे, आपको दे। कै बजे आया है बताइए ना, कै बजे आया है बताइए। सुने 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 नहीं, एक मिनट बता दीजिए ना, ये सब बात को सुनो, बता दीजिए ना कै बजे आया, खाली यही बता दीजिए। कहाँ से आया है? कहाँ से? पंजाब से। क्या आया गाड़ी में? गेहूँ। कितना गेहूँ है? 42 बोगी। 42 एक बोगी में कितना रहता है? एक बोगी में 1200 बैग लगता है। 1200 गेहूँ आया है 3 बजे, तो मैं देखा कि भींग रहा है, तो मैं सोचा कि उच्च अधिकारी को मैं यहाँ पर इत्तला करूँ कि ये इस तरह का लाखों का माल जो गरीब को मिलने वाला है वो बर्बाद हो रहा है। बस कुछ चंद ठेकेदारों के गलत नीतियों के कारण कि ठेकेदार अपने ठीक से काम नहीं करते, कि पानी भींग रहा है, यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। लाखों का माल गरीब को एक मतलब गरीब को 1 किलो फ्री नहीं मिलता है, पर यहाँ लाखों का धान चावल बर्बाद हो रहा है वो चंद मतलब बियर फैक्ट्री और कौन कौन जो बोलते हैं तो बनाने के लिए, उन लोगों को देने के लिए सब अच्छा षड्यंत्र करते हैं। सब ये हर बार का है, आज का नहीं है, हर बार का यही करना। गेहूँ कहाँ जाता है? गेहूँ यही गोडाउन में बाजार समिति बोकारो जनम और कस्टमर जो कृष्णा बोकारो के एरिया में 17 वहीं जाता है। धन्यवाद।